तुझे आज मेरे बेटी का बर्थडे है तो मैंने सोचा कि क्यों ना बनाया जाए घर में एकदम स्पेशल कोरमा दानेदार मार्केट के जैसा। तो जी स्पेशल कोरमा बनाने के लिए मैंने ले लिया है 8 प्याज। अच्छे से मैंने उसको छील के उसको लंबा लंबा बारीक बारीक चॉप कर लिया है और जी कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर ले ली है एक कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रिफाइंड तेल डालना है क्योंकि मुझे प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। अगर हम कम डालेंगे तो वो क्रिस्पी नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालना है। तेल ज़्यादा डालने के बाद हम उसको एक्स्ट्रा निकाल भी लेंगे, ऐसा नहीं आपका तेल वेस्ट नहीं होने वाला, तेल हम और सब्ज़ी के अंदर भी यूज़ कर लेंगे। तो जी इधर देखिए मैंने डाल दिया है प्याज और प्याज को बहुत बढ़िया से गोल्डन ब्राउन करना है। तो इससे पहले मैं इसको चला देती हूँ और आँच को मैंने एकदम से मीडियम रखा हुआ, ना फोल्ड ना कुछ। और देखिए जी धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। तो कोरमा बनाने के लिए जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करना है, एकदम आराम से बनाना है और बहुत ही बढ़िया बनने वाला है, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और अगर आपको पसंद आएगा तो आपको वीडियो को तो लाइक करना है और जी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना ज़रूर है, तभी तो आपको बढ़िया बढ़िया रेसिपी मिलेगी मेरे चैनल के ऊपर। तो देखिए जी धीरे धीरे हो गया इसका कलर। तो जी देखिए प्याज भी एकदम से रंग बदलना शुरू हो रहा है, तो हमको तब तक इसको फ्राई करना है जब तक कि ये डार्क गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड इससे पहले आपने कभी कोरमा बनाया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने किस तरह से बनाया है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल डिफरेंट बनाने जा रही हूँ और बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। और इधर देखिए जी मैंने चिकन को 1 घंटे के लिए पहले से ही मैंने अच्छे से धो के इसके अंदर नमक डाल के इसको छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए। और इधर थोड़ा से मसाले, मसालों में रेड चिल्ली पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक, मिर्ची, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट और जी ये है हमारा नींबू का रस है, दही है 1 चम्मच और जी ये कसूरी मेथी और थोड़ा सा बेसन भी रखा हुआ है मैंने, और ये है हमारी सूजी और ये कॉर्नफ्लोर है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल दिया है। और चिकन है हमारा 1.5 kg और सबसे पहले मैंने डाल दिया है चिकन को धोने के बाद पहले इसके अंदर डाल दिया है नींबू का रस। तो नींबू के रस के साथ ही डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 चम्मच ले लिया है और मैंने घर में पहले से ही पीस के रखती हूँ, आपको भी पीसना ही पड़ेगा क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट पीसे में ही आएगा। तो जी अब साथ में मैंने डाल दिया दही, दही मैंने थोड़ा आधा ही डाला है और जी जितने सारे मसाले हैं सारे मैंने इसी चिकन के अंदर डाल दिए हैं। और जी अब इसके बाद मैं इसको बेसन और कॉर्नफ्लोर इसको भी साथ में ही डाल देंगे। अब जी डालने के बाद अब मैं इसको एक बार अच्छे से मिला देती हूँ और जी मिलाने के बाद दिखाएंगे इसको कि आगे क्या करना है। तो फ्रेंड देखिए करछी से चलाना तो बहुत मुश्किल ही लग रहा है, तो क्यों ना एक ग्लव्स डाल के उसको हाथ से अच्छे से मिलाएं। हाथ से मिलाने के बाद इसका मसाला एक एक चिकन के अंदर लग जाएगा। तो मेरे से तो करछी से चला नहीं बिल्कुल भी, तो मैंने ग्लव डाला और हाथ के साथ अच्छे से चला दिया और पूरे मसाले की कोटिंग एकदम चिकन के ऊपर अच्छे से लग गया और देखिए कितना ही बढ़िया तैयार हो गया। और जी इसको मैंने अब छोड़ना है 1/2 घंटे के लिए। तो 1/2 घंटे छोड़ने के बाद देखिए जी ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो फ्रेंड्स देख लो एक बार, अब मैं इसको करछी से चलाऊंगी क्योंकि अब मैंने ग्लव्स को मैंने उतार दिया था। और देखिए जी करछी के साथ चलाने के बाद दिखा दिया कितना ही अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो जी आप करेंगे आगे का प्रोसेस चालू। तो जी इतना अच्छा कोरमा बनाने के लिए वीडियो तो लाइक करना ही है आपको। और जी ले लिया है मैंने कुकर और कुकर के अंदर मैंने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल मैंने वही डाला जो मैंने बताया था, मैंने प्याज लाल किया था ना, प्याज लाल किया था उसी का तेल जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इधर जी थोड़े से खड़े मसाले हैं जिसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गोल मिर्च है, तेज़पत्ता है, लौंग है और छोटी इलायची और बड़ी इलायची। तो इसको मसाले के अंदर अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ जाए। तो जी फिलहाल देखिए मसाला तो भून गया है बढ़िया सा, ये सारे मसाले भून गए हैं और हम डाल देंगे इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन सारा इसके अंदर डाल दिया। और जी आप विश्वास नहीं करिएगा कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर खुशबू से महक रहा है। और देखिए मैंने इसको चला दिया है बढ़िया से और चलाने के बाद आप बता देती हूँ आपको, गैस को थोड़ा सा मीडियम ही रखना है अभी क्योंकि फुल आँच के ऊपर चिकन एकदम से जल जाएगा। और देखिए चलाने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो फ्रेंड देखिए
अब इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको मैं एक बार ढक देती हूँ और ढकने के बाद आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स मैंने आपको प्याज फ्राई करके दिखाए नहीं है, मैंने निकाल के रख लिए हैं और अभी आपको दिखा दूँगी कि प्याज मैंने कितने फ्राई किए हैं। प्याज का भी बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो जी ये है, हमने एक तवा रख लिया है और तवे के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट के अंदर मैंने डाल दिया है काजू और बादाम डाल दिए हैं। तो बादाम आपकी चॉइस है, वैसे काजू ही डालते हैं लेकिन मैंने बादाम भी डाल दिया, बहुत बढ़िया लगता है। और ये है हमारा नारियल का बुरादा है, नारियल का जो बुरादा होता है और वो बहुत बढ़िया उसका रोल है इसके अंदर। नारियल के बुरादे के को और ये थोड़ा सा काजू और बादाम को मैं तवे के ऊपर अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और जी देखिए मैं इसको चला रही हूँ, आँच को थोड़ा मीडियम रख देना है क्योंकि बुरादा एकदम से जल जाएगा तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। तो जी देखिए मैंने इसको कितना भूनना है आपको मैं दिखा देती हूँ। और ये हल्का हल्का इसका रंग पलटता जा रहा है और जी ब्राउन कर देना है। ब्राउन करने के बाद मैं इसको अब साइड में कर दूँगी और देखिए कितना ही अच्छे से भून रहा है, कितने से अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है, रंग भी चेंज हो रहा है और खुशबू तो आप पूछिए मत कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो जी कोरमे के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता दूँगी जिससे कि आपको लगेगा कि कोरमा एकदम दानेदार मार्केट जैसा कैसा बनता है वो मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो जी देखिए प्याज को मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए प्याज को मैंने कितना ही बढ़िया ब्राउन करके डाल दिया था। और ये देखिए प्याज को ब्राउन करने के बाद इसको मैंने मिक्सी के जार के अंदर डाल दिया। और जी जो मैंने अभी नारियल का बुरादा और ड्राई फ्रूट रोस्ट किया था उसको भी मैं इसके साथ डाल रही हूँ। और मिक्सी के अंदर थोड़ा सा डाल देंगे पानी क्योंकि प्याज एकदम से मिक्सी के साथ नहीं चल रहे हैं। और मैंने 2 घूंट पानी डाल के उसको मैंने पीस दिया है। तो इधर हम देख देते हैं कोरमे ने भी अपना पानी अच्छे से छोड़ दिया है। तो जी देखिए कोरमे ने पानी छोड़ दिया है और एक बार फिर से हम इसको चलाते हैं और चलाने के बाद आपको दिखाएंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो जी फ्रेंड्स आगे हम करेंगे, जो मैंने प्याज अच्छे से मिक्सी के अंदर जो मैंने किए हैं ना तो वो उसको हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं। तो जी देखिए मैंने सारे प्याज को निकाल दिया है कटोरी के अंदर और अब मैंने डाल दिया है इस कोरमे के अंदर। और जी कोरमे के अंदर डालने के बाद अब मैं इसको एक बार बढ़िया से चला दूँगी। फ्रेंड्स कोरमे में थोड़ा सा तेल ज़्यादा डलता है ये तो आपको पता है क्योंकि तेल का ही खेल होता है और ये बहुत ही बढ़िया लगता भी है और टेस्टी भी लगता है। और देखिए मैंने चला दिया इसको अच्छे से और अब जब तक इसको चलाना है जब तक कि इसकी ग्रेवी अच्छे से थिक ना हो जाए। और दिखाती हूँ मैं आपको एक बार अच्छे से, देखिए प्लीज़ कितना ही बढ़िया इसका दानेदार टेक्सचर ये देखिए फ्रेंड दिख रहा है ना आपको, शायद आपको क्लैरिटी थोड़ी कैमरे में के अंदर आपको साफ नहीं नज़र आ रहा लेकिन सच में ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और जी देखिए बॉयल हो गया है और बॉयल होने के बाद अब मैं इसको एक बार फिर से आपको पास करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए कितना ही बढ़िया तैयार हो गया ना स्पेशल कोरमा है। फ्रेंड्स बनाइए इसको, खाना आप ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है। और देखिए अब मैं गैस को बिल्कुल कर दूंगी बंद और जी इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। तो देखिए पूरी तरह से तेल हो गया है सेपरेट, बहुत बढ़िया से तेल पूरा सेपरेट हो गया है। और अब मैं आप प्लेट के अंदर दिखा दूँगी। ये देखिए पहले तो मैंने आपको चिकन का पीस डाल के दिखा दिया और कोरमा का तेल देखिए कितना ही बढ़िया। और मैं ऊपर से सारा कोरमा डाल के दिखाती हूँ और देखिए कैसा लगा ना आपको मार्केट के जैसा कोरमा, कोई मेहनत नहीं है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है और बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो गया है। तो जी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक।